भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। पत्रकारों से रूबरू होते हुए देहरादून में सांसद रमेश पोखरियाल के निजी सचिव डीचैन कंडियाल ने बताया कि सांसद लेखन का बेहद शौक रखते हैं। आम जनमानस के हृदय को छू लेने वाली कविताएं सभी में राष्ट्र प्रेम का एक नया संदेश देती हैं। आपको बताते चलें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के लिए पूर्ण रूप से समर्पित निजी सचिव डीचैन कंडियाल द्वारा भी अद्भुत लेखन शैली का उदाहरण पेश करते हुए कई पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इसमें पतझड़ की साए नामक पुस्तक मानव जीवन के लिए नई प्रेरणा स्रोत साबित हुई। डीचैन कंडियाल ने कहा कि सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास हम सदैव जारी रखेंगे। आइए देखते हैं उल्लेख न्यूज। और उल्लेख न्यूज से मैं मुकेश राणा, हमारी पूरी टीम अभी माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी के देहरादून स्थित कार्यालय पे है। उनकी पार्टी के प्रति समर्पित और समर्पण की भावना रखने वाले उनके PRO श्री डीचैन कंडियाल जी से उनकी उपलब्धि के बारे में कुछ जान रहे हैं। हाँ, बताइए सांसद महोदय के जीवन चरित्र पर आपने बहुत अच्छी पुस्तक निकली लिखी है और काफ़ी सुना गया है पुस्तक के बारे में, तो इस संबंध में थोड़ा आप प्रकाश डालें हमारे चैनल के माध्यम से। यू तो माननीय निशंक जी खुद में एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और अभी भारत के हर कोने में पूरे राज्यों में उनकी किताबें प्रचारित हैं, प्रसारित हैं। लगभग 109 किताबें अब तक उनकी आई हैं और डॉक्टर निशंक के साहित्य पर 25 से अधिक शोध और लघु शोध हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ऐसे कि अभी तक मेरे दृष्टि में, जो मैं समझता हूँ, अभी तक किसी साहित्यकार पर, जीवित साहित्यकार पर इतने शोध नहीं हुए। डॉक्टर साहब की रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित हैं और उनके गीत कई जगह प्रार्थना सभाओं में भी बजते हैं स्कूलों के। तो मेरा बहुत छोटा सा क्लेशन है उनके बारे में, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी कवि थे। तो अभी पिछले करीब 2-3 दशक से राष्ट्रीय जो काव्य था वो लिखना लोगों ने काफ़ी कम किया। मैथिली शरण गुप्त होती थी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होती थी, उस समय उनका राष्ट्रीय काव्य था। तो ये राष्ट्रीय काव्य की धारा अब थोड़ा कम हुई है, लेकिन एकमात्र डॉक्टर निशंक जी ऐसे हैं जिन्होंने अपना समग्र जो लेखन है उसमें राष्ट्रीय काव्य धारा को ज़्यादा महत्व दिया है। तो अभी उनकी राष्ट्रीय काव्य धारा की पुस्तकों की समीक्षा के लिए मेरी एक किताब आई है, हिमंत का राष्ट्रीय कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और एक किताब आने वाली है, वो प्रकाशन में है, साहित्य संस्कृति और राजनीति की त्रिवेणी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये तो उनके साहित्य पे मेरा थोड़ा सा कुछ काम है, और भी किताबें हैं उनके ऊपर, लेकिन उससे ऊपर मैंने उनके जो उनका राजनीतिक जीवन है उस पर भी काफ़ी लेखन किया है। उन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेके फिर देश तक उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियाँ रही हैं और जो उनका विचार रहा है, जो उनकी सोच रही है, उन पे भी मेरा क्रिएशन है। उनके राजनीतिक जीवन की सारी चीज़ें अलग अलग किताबों में मैंने समाहित की हैं। मेरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर निशंक के वक्तव्य और उत्तर प्रदेश विधानसभा में डॉक्टर निशंक, और जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड पे भी उत्तराखंड विधानसभा में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये मेरी पुस्तक है। और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो सभाओं में और बाहर के कार्यक्रमों में जो भाषण दिए उनका भी मैंने एक संकलन किया है, मेरे सपनों का उत्तराखंड। तो ये है, और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा में जो उनके वक्तव्य थे वो भी एक किताब के रूप में, उत्तराखंड विधानसभा में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इसके अतिरिक्त जो 16वीं लोकसभा में, यानी कि पिछली लोकसभा में, जो उन्होंने हिमालय और हिमालयी राज्यों से संदर्भित सदन और सदन के अंदर जो कुछ बोला उस पर भी एक उसका एक संकलन मैंने किया है, संसद में हिमालय। संसद में हिमालय नाम से वो तमाम उसमें वो सवालात हैं जो उन्होंने सदन के अंदर किए हैं, लोकसभा के अंदर किए हैं, हिमालयी राज्यों को लेके
हिमालयी राज्यों की समस्याओं को लेके, हिमालयी राज्यों की कठिनाइयों को लेके, उनके समाधान को लेके जो लोकसभा में बोला उसका सारा एक संकलन है संसद में हिमालय। और इसके अतिरिक्त जो पिछली लोकसभा में यानी कि 16वीं लोकसभा में जो पाँच वर्ष उन्होंने सदन के अंदर बोला उसके भी मैंने अलग अलग संकलन किए हैं। लोकसभा में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाग एक, लोकसभा में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भाग दो, तीन, चार, पाँच, ये करके प्रत्येक साल का लेखा जोखा जितना उन्होंने सदन में बोला वो मैंने कलेक्ट किया है।